गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल डिस्कस प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स. लास्ट वीडियो में हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स के एसिडिफाइंग एजेंट्स और एंटासिड्स को डिस्कस कर चुके थे. इस वीडियो में हम प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव्स मतलब जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव्स. और एड्सॉर्बेंट्स क्या होते हैं? जो हार्मफुल टॉक्सिन्स अगर आपने गलती से कंज्यूम कर लिए हैं तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम एड्सॉर्बेंट्स करते हैं. होते क्या है? प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स आर द केमिकल एजेंट्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स. प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स जो होते हैं वो केमिकल एजेंट होते हैं जो कि आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्टर्बेंसेस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जीआईटी रिजल्ट्स इन डिसेंट्री और डायरिया. जब नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपकी डिसेंट्री और डायरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है. डिसेंट्री क्या होती है? डिसेंट्री इज अ डिजीज इन विच एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फ्लूड विद और विदाउट म्यूकस और ब्लड. इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक अमीबा. डिसेंट्री क्या होता है? डिसेंट्री एक डिजीज होती है जिसमें कि हैवी लॉस होता है वाटरी फ्लूड का विद और विदाउट म्यूकस. म्यूकस के साथ भी, ब्लड के साथ भी, मतलब ये जो वाटरी फ्लूड है इसके साथ म्यूकस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. दोनों ही कंडीशन डेवलप हो सकती हैं. जो वाटरी फ्लूड है उसका एलिमिनेशन म्यूकस के साथ भी हो सकता है, ब्लड के साथ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. और ये जो डिसेंट्री है ये कॉज होता है आपका प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से. ठीक है, डायरिया क्या है? डायरिया मेनली ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन. डायरिया जो कॉज होता है वो मेनली इम्प्रॉपर डाइजेशन. ठीक है, इम्प्रॉपर डाइजेशन मतलब अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से ना हुआ हो तो उसकी वजह से डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन. यह हो सकता है कि आपने फूड तो ले लिया लेकिन उस फूड का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से ना हुआ हो तो उसकी वजह से भी डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है. या फिर हो सकता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो वहां पर, तो जिसकी वजह से डायरिया की कंडीशन डेवलप हो रही हो. ठीक है, तो डायरिया इन कंडीशन की वजह से डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट, समटाइम्स बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड केमिकल और पॉइजनस ड्रग्स आर ऑल्सो कॉज डायरिया. कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी होते हैं, केमिकल एजेंट्स भी होते हैं, कुछ पॉइजनस ड्रग्स भी होती हैं जो कि डायरिया को कॉज करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ केमिकल एजेंट्स आर यूज्ड टू ट्रीट डायरिया. बहुत सारे केमिकल एजेंट्स होते हैं जिसको हम डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सब्सटेंस लाइक बिस्मस ऑफ कार्बोनेट, कैओलिन, बेंटोनाइट एक्सेट्रा. These are the insoluble salts and they form a protective layer on the mucosal membrane and provide a protection and also they absorb the bacterial toxins. ये जो कुछ substance है, chemical agents है, protective adsorbents की तरह काम करते हैं, जैसे bismuth subcarbonate है, kaolin है, bentonite है, ये सब क्या है? Insoluble salt है. ठीक है, तो ये जो आपकी mucosal membrane होती है intestine में, जो mucosal membrane है उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं. ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं अगर आपने गलती से कंज्यूम कर ले हैं या फिर फूड के साथ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंटर हो गए हैं तो उन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे बिस्मस ऑफ कार्बोनेट, कैओलिन, बेंटोनाइट. ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन के ऊपर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ ही बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सम यूजफुल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बिस्मस ऑफ कार्बोनेट, कैओलिन एक्ट एज प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स. ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे बिस्मस ऑफ कार्बोनेट है, कैओलिन है, ये आपके प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट्स की तरह काम करते हैं. नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स में सेलाइन कैथोटिक्स. सेलाइन कैथोटिक्स क्या होते हैं? कैथोटिक्स आर द ड्रग्स विच ब्रिंग्स अबाउट डिफिकेशन.
ठीक है, कैथार्टिक्स आपकी वो ड्रग्स होती हैं जो कि डिफिकेशन में हेल्प करती हैं। डिफिकेशन क्या होता है? डिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच डिस्चार्ज ऑफ फीसिस और स्टूल फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी में से फीसिस और स्टूल का रिमूव होना, डिस्चार्ज होना, वो कहलाता है आपका डिफिकेशन। तो कैथार्टिक्स क्या होते हैं? कैथार्टिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि डिफिकेशन में हेल्प करती हैं। दे आर बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन में भी हम इनको यूज कर सकते हैं, मोस्टली हम कॉन्स्टिपेशन के लिए कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे मे बी ऑल्सो गिवन फॉर क्लींजिंग द बोवेल बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले अपने बोवेल यानी इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए हम कैथार्टिक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैथार्टिक्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, दो क्लासेस में डिवाइड किया है, लेक्सेटिव और पर्गेटिव। जो लेक्सेटिव का एक्शन होता है वो बहुत कम एक्शन होता है, माइल्ड एक्शन होता है, वहीं पर्गेटिव का जो एक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। लेकिन बोथ आर यूज, लेक्सेटिव एंड पर्गेटिव बोथ आर यूज इन द कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली द पेरिस्टाल्सिस लीड्स टू डिफिकेशन, जो पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी होती है इंटेस्टाइन में वही आपकी डिफिकेशन में हेल्प करती है। सपोज दैट, ये छोटा सा एक डायग्राम है, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो भी फूड कंटेंट है, ठीक है, तो फूड कंटेंट की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर एक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से जो फूड कंटेंट है वो आगे की तरफ मूव करता है और इसी की वजह से हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव आउट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी। यहाँ पे जो इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, उसी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस की वजह से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फूड कंटेंट है, वो आगे की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिपेशन कैन ऑल्सो बी कॉज बाय मैनी फैक्टर्स लाइक वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल स्पाज और यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स और डाइट एक्सेट्रा। जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कॉज हो सकता है, जैसे इंटेस्टाइन में वीकनेस आ जाए तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है, या इंटेस्टिनल स्पाज्म, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है, और यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स जैसे कोडीन है, मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, डाइसाइक्लोमिन है, फ्रूसेमाइड है, ये सारी ड्रग्स जो होती हैं, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है डाइट, डाइट में जैसे फ्राइड और फास्ट फूड है तो वो कॉन्स्टिपेशन को कॉज कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो भी कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कॉन्स्टिपेशन द फीकल मैटर बिकम्स ड्राई एंड हार्ड। जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो फीकल मैटर होता है वो ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है। यूज ऑफ लेक्सेटिव और पर्गेटिव्स गिव्स अ रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन और एलिमिनेशन ऑफ बोवेल कंटेंट। जब हम लेक्सेटिव और पर्गेटिव्स का यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो भी बोवेल कंटेंट होता है इंटेस्टाइन में, जो भी बोवेल कंटेंट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है, कैथार्टिक्स और पर्गेटिव्स जनरली एक्ट फोर डिफरेंट मैकेनिज्म। जो कैथार्टिक्स और पर्गेटिव्स है वो मेनली चार डिफरेंट मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, जैसे फर्स्ट है स्टिमुलेंट, बल्क पर्गेटिव, लुब्रिकेंट, देन सेलाइन कैथार्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स का एग्जांपल जैसे सेना है, रुबार्ब है, पोर्टोफाइलम है, कैस्टर ऑयल है, कैस्करा है, एलॉय है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये ड्रग्स हैं जो कि स्टिमुलेंट की तरह वर्क करते हैं। होता क्या है इसमें कि ये ड्रग्स जो होती हैं ये लोकल इरिटेशन कॉज करती हैं इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, ठीक है, ये ड्रग्स जो होती हैं सेना, रुबार, पोडोफाइलम है, कैस्टर ऑयल है और आपका एलॉय है, कैस्करा है, ये क्या करती हैं ड्रग्स, जब आप इनको टेक करते हो, जब आप इनको लेते हो ड्रग्स को, तो ये क्या करती हैं कि ये लोकल इरिटेशन कॉज करती हैं आपकी इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्टिमुलेट कर देती है, पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी जो है वो उसको स्टिमुलेट कर देती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं,
स्टिमुलेंट्स में क्या होते हैं, ये जो एग्जांपल है इनके, सेना है, रुबार्ब है, पोटोफाइलम है, कैस्टर ऑयल है, एलोए है, ये सभी क्या है, स्टिमुलेंट्स की तरह वर्क करते हैं। तो होता क्या है इसमें कि ये ड्रग्स जब आप इनको कंज्यूम करते हो तो ये ड्रग क्या करती है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में लोकल इरिटेशन कॉज करती है। लोकल इरिटेशन कॉज करने के साथ साथ पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करती है। ठीक है, डायरेक्टली ये ड्रग्स जो होती है, ये ड्रग्स आपके इंटेस्टिनल पे ही वर्क करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बल्क परगेटिव। बल्क परगेटिव के एग्जांपल है मिथाइल सेल्यूलोज गम्स है, सोडियम सीएमसी सेल कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। बल्क परगेटिव्स का फंक्शन क्या होता है, बल्क परगेटिव्स आर द केमिकल एजेंट विच आर एबल टू इंक्रीज द बल्क ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट। बल्क परगेटिव्स जो होते हैं वो एजेंट होते हैं जो कि इंटेस्टिनल कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, इंटेस्टिनल कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके बल्क परगेटिव्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है मिथाइल सेलुलोज है, गम्स है, सोडियम सीएमसी है, इसबगोल है, ये सब आपके बल्क परगेटिव्स होते हैं। ये सब आपके जो बल्क परगेटिव्स हैं ये आपके नॉन डाइजेस्टेबल टाइप के मटेरियल होते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं बल्कि इंटेस्टिनल कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे लिक्विड पैराफिन है, ग्लिसरीन है, मिनरल ऑयल्स हैं, ये सभी आपके लुब्रिकेंट्स होते हैं। होता क्या है कि जब कॉन्स्टिपेशन में इंटेस्टाइन में जो फीकल मैटर होता है वो ड्राई और हार्ड हो जाता है, तो ये जब लुब्रिकेंट्स हम उनको देते हैं पेशेंट को, तो लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं कि ये लुब्रिकेंट्स जो फीकल मैटर होता है उसको स्मूथ बना देते हैं। ठीक है, उस स्मूथ बना देंगे तो हमारी बॉडी से जो फीसिस स्टूल है वो आसानी से रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट है सेलाइन कैथेटिक्स। सेलाइन कैथेटिक्स के एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सेलाइन कैथेटिक्स में क्या होता है कि ये सेलाइन कैथेटिक्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपके ऑस्मोटिक लोड, इंटेस्टाइन के ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज कर देते हैं और साथ ही पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। ये जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सेलाइन कैथेटिक्स के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम वाटर के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू।